स्पेशली यहाँ पर ये बोलते हैं यार कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है। ये बड़ा खतरनाक सा टॉपिक है, 2 मिनट आपका लूंगा लेकिन बात जरूर करूंगा इस पर कि मन नहीं लगता है, ठीक है। अब आज मैं आपको बात बताता हूँ, अपने जीवन से जुड़ी बात बताता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग देखना कि क्या सच है क्या झूठ है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है पढ़ाई में मन नहीं लगता वाली कहानी, ये सबके साथ होती है। जब हम अपना मेंस का प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो उस टाइम पर हमारी कहानी ऐसी थी कि हमें थोड़ा कभी कभी मोबाइल चलाने में ज़्यादा आदत सी लग गई थी, और एक गंदी वाली आदत, फेसबुक के वीडियोस देखे जा रहे हैं ख़त्म ही नहीं होता, इंस्टा के रील देखे जा रहे हैं ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई, टिकटॉक भी आ रखा था लगभग, ठीक है ख़त्म ही नहीं हो रहा, एक रील देखे पसंद आ गया, दूसरा देख रहे हैं पसंद आ रहा है, तीसरा देख रहे हैं पसंद आ रहा है, और मज़ा आ रहा है बिल्कुल एकदम, ठीक है बढ़िया डांस 1 मिनट के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है हिमाचल का सीन देखने को मिल रहा है, ठीक। और उसमें मैं ये देख रहा हूँ ना कि मैं वीडियो देख देख के मुस्कुरा रहा हूँ लाइब्रेरी में, अगर बगल वाला बंदा जो है वो बेचारा पढ़े जा रहा है। मुझे तब महसूस नहीं हुआ, मुझे महसूस तब हुआ जब हम दोनों ने साथ में मॉक टेस्ट दिया और पता चला कि वो मुझसे 20 नंबर आगे है, ठीक। उस दिन मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ, फिर उसके अगले दिन जब हमारी सीएचएसएल के आंसर की आई थी ना, तब मुझे थोड़ा सा और महसूस हुआ कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, अगले के पास सिलेक्शन पे सिलेक्शंस आए जा रहे हैं और मैं थोड़ा पीछे होते चला जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैंने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की, जैसे आप लोग कसम वादे नहीं खाते हैं एकदम, आज से कसम है, उसकी कसम है, ये कसम है, वो कसम है, मोबाइल नहीं चलाएंगे, छोड़ देंगे, अलग कर देंगे, आप इनफैक्ट कोशिश भी करते हो बैग में डाल के रखने की, जो बच्चे स्पेशली लाइब्रेरी जाते हैं एकदम कोशिश करते हैं, बेपनाह कोशिश, मोबाइल बंद करेंगे, फ्लाइट मोड में करेंगे, रख देंगे बैग में, ठीक है। हमने भी वो कोशिश की, बट ससुरा वो कोशिश है ना बड़ा फेल सा हो गया एकदम, ठीक है, क्योंकि अगर फ़ोन आ गया तुरंत उठा लिया, कुछ आ गया तुरंत उठा लिया, और ऐसे सिचुएशंस होते हैं लाइफ में, मैं मना ही नहीं कर रहा, आएंगे आपके प्रॉब्लम्स लाइफ में, ठीक है। तो फिर उसी से टैकल कैसे करना होता है, ये मन कैसे लगाना होता है मेरे भाई, वो सिर्फ एक ही चीज़ से आती है, इस बात को ध्यान रखो कि आपका एक पॉइंट तो कि ये एम क्या है, पहले ये समझ लो कि एम क्या है, मतलब बनना क्या है, करना क्या है। जैसे हम मोबाइल ही चला रहे थे, ठीक है, मोबाइल चलाते चलाते रील्स ही देख रहे थे, और रील्स देखते देखते अचानक एक मेरे सामने वीडियो आई डीएम की एंट्री कैसे होती है, ठीक है। फिर उसमें हमने जो आपके आईएएस हैं श्रुति हसन है, मैंने उनका वीडियो देखा, टीना डाबी का वीडियो देखा, फिर वो चीज़ें लगी कि यार करना है तो कुछ ऐसे करो ना फिर, कि जब तुम एंट्री भी लो तो एटलीस्ट तुम्हारा वो एक भौकाल हो अलग तरीके से, ठीक है। फिर वो एंट्री देखने के बाद फिर थोड़े थोड़े और मुझे इंटरेस्ट आने शुरू हुए कि अच्छा क्या पोस्ट होता है, कैसे पोस्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम जो है अपने लाइब्रेरी में हमने कहा चलो हम सीजल की तैयारी कर रहे हैं भाई, तो अपने सीजल की तैयारी में ही थोड़ा सा अपने पोस्ट के बारे में जान लेते हैं कि हाँ हमारे यहाँ कौन कौन सा पोस्ट होता है। फिर हमने अपने पोस्ट डिटेल देखने शुरू किए यूट्यूब पर कि सीजल के अंदर कौन कौन से पोस्ट होते हैं, फिर उनका थोड़ा सा रुतबा जानना शुरू किया। ये बात उस दिन समझ में आई, और इसी वजह से आज हम एक एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हैं, तो कहानी तब समझ में आ गई थी। तो ये जो एम था ना हमने तब मन में ठाना, बाद में उसको पता चला कि इस एम को पूरा करने के लिए मेहनत कितनी करनी होती है, उस हिसाब से मेहनत की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर मन विचलित होता है उनको कंट्रोल किया कि फ़ोन नहीं चलाना है, फेसबुक नहीं खोलना है, वीडियो नहीं देखनी है, कितनी भी अच्छी मूवी आई नहीं देखना है, ठीक है कंसिस्टेंट रहना है, अपडेटेड रहना है, 6 महीने की बात है थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। सबसे बुरी दूसरी जो आदत होती थी वो होती थी मेरे भाई नींद, या यूं कह लें कि आप आलस, ये आलस भी एक सबसे बड़ा बीमारी, सबसे बड़ा फैक्टर, इसको कैसे कंट्रोल करें, जिसको हम लेजीनेस भी कहते हैं। इंग्लिश के वोकैबुलरी अगर आप पढ़ते हो तो इसके अच्छे अच्छे वोकैब भी होते हैं, लेथार्जिक, स्लगिश, ठीक है। अब ये भैया आलस, ये आलस कैसे खत्म करें, अब ये आलस वाली भी कहानी यहां पर रहती थी ना, ठीक है उठेंगे आराम से उठेंगे कोई बात नहीं, मतलब अलार्म लगा दिया है बज रहा है उठा ही नहीं जा रहा, ठीक है 7 बजे का अलार्म काट रहे हैं 7:30 हो गया, फिर काट रहे हैं 8 हो गया, फिर काट रहे हैं 8:30 हो गया, मतलब करते करते ज़बरदस्ती चलो मेड खाना बना के रख दी, अब लेकर खाना लेके जाना है लाइब्रेरी, उसमें भी थोड़ा बढ़िया से तैयार हो रहे हैं, उठ उठ के आराम से नॉर्मल वे में जा रहे हैं, पता चलता है कि उठे 7 बजे थे, ठीक है कोशिश की थी 7 बजे से, लाइब्रेरी में पहुँचे 9:30 बजे, ठीक है। और ऐसा चलता रहा कुछ दिनों तक, सिलसिला हमारा चलता रहा, हफ्ते 10 दिन तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद में हमें भाई साहब एक लाइब्रेरी मिले खतरनाक आदमी, मैं आज उनका नाम लेता हूं, ठीक है। एक दिन मैं जब यहां पर 9:30 में पहुंचा ना, तो उस लाइब्रेरी में हमारे जो सर थे उन्होंने कहा कि तेरी सबसे बड़ी गलती है ना कि तू ये कर रहा है कि तू ये 2 घंटे का यूटिलाइज नहीं कर रहा। मैंने कहा सर क्या होता है 2 घंटे में, 8-8 घंटे पढ़ता हूं, 10-10 घंटे पढ़ता हूं, कम है क्या? कहा कि एक काम कर, वो सीट है उस सीट पर जा और उस सीट पर एक लड़के को देख कि वो कितने बजे आता है, बस आज ये देखना कि वो आया कितने बजे, वो जाता कितने बजे, उसके मार्क्स देखना, फिर तुम्हें अगले दिन से खुद समझ में आ जाएगा। उस सीट पर जो लड़का बैठा था ना,
वो सुबह के 6:30 में आता था और रात में सबसे लेट लाइब्रेरी को बंद करके जाता था वो 12:30 में मेरे भाई, ठीक है। और कंटिन्यूअस इतनी पढ़ाई, बहुत बच्चे यहाँ पर ज्ञान देने भी आ जाएंगे, 6 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, अगर होता तो तुम्हारा हो चुका होता, तो ज्ञान मत देना फालतू का बाद में वीडियो के कमेंट में, ठीक है। जिनका होना होता ना 6 घंटे की पढ़ाई में तो हो जाए, और ये बात मान लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब इतना देर पढ़ता था, ऐसा नहीं था कि इसमें सिर्फ ये पढ़ाई ही करेगा, और भी चीज़ें हो गई, जैसे मैथ्स का मॉक हो गया या और भी चीज़ें हो गई। तो सबसे अच्छी आदत जो मुझे इसकी ये लगती थी ना कि सुबह में जब ये लाइब्रेरी में आता था इसको भी नींद लगती थी, औरों की तरह ये भी था, इसको भी ड्राउजीनेस होता था, लेकिन ये आते आते तुरंत अपना लैपटॉप खोलेगा और एक मेज का मॉक दे दिया मेरे भाई। प्री का बंदा तैयारी कर रहा है और 6:30 में आया है और 8:30 तक मेज का एक मॉक खत्म, और अभी तक हम अपने घर पे सज रहे हैं, धज रहे हैं और लाइब्रेरी जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इस बंदे का एक मेज का मॉक खत्म, यानी 100 सवाल ही आगे हो चुका है। और ऐसे कहानी करते 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 मेरे भाई ये डेली सोचो मुझे कितने का ये लीड दे रहा है। तब जाकर कहानी समझ में आई कि एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस दिन मैंने कंपटीशन लगाना शुरू किया उस लड़के से कि भाई ये अगर 6:30 में आ रहा है ना तो मैं तो पक्का आऊँगा ही आऊँगा, फिर जो 9:30 वाली टाइम थी थोड़ा और कम। जब तक वो अपने सीट से नहीं उठता था मैं अपने सीट से नहीं उठता था, भाई वो बैठा है ना तुझे भी बैठना है, ठीक है। मॉक और वो जो एक कंपटीशन था ना वो बड़ा एक हेल्दी सा कंपटीशन बन गया यार, बहुत एक हेल्दी सा, मतलब मुझे उस लड़के को देख देख कर मोटिवेशन आने लगा कि जब ये बंदा 4 मॉक दिन में लगा सकता है मेज के तो मैं क्यों नहीं लगा सकता हूँ। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स थे जिन चीज़ों ने मुझे प्रमोट किया लाइफ में, क्योंकि अकेले आप कितना मोटिवेटेड रह लोगे, कितना अपने आप को कसम दे लोगे, कितना अपने आप को स्ट्रेंथ दे लोगे, कितना अपने आप को तोड़ लोगे, कितना अपने आप को रोक लोगे, मतलब नहीं हो पाता। अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं जीवन में। बहुत बार ऐसा होता है कि आप रुक से जाते हैं, ठहर से जाते हैं, नेगेटिव से हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अलग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। जीवन भर मेरे भाई गाड़ी एक स्ट्रैटेजी से नहीं चलती, इस बात को समझिए। और ये लोग ऐसे होते हैं ना जो लाइफ में आपको इंस्पायर करते हैं। फिर तो हमारी जो है ना एक तरीके से ऑटो लेंगे, सबसे पहला ऑटो पकड़ के जाके 6 बजे बैठेंगे सीट पे, उसकी तरह हम भी लैपटॉप से खोलना शुरू करेंगे। 2-4 दिन आदत लगी, 5वें दिन से कहने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी और वो अपने आप में एक रूटीन में डल गया, ठीक है। इसी वजह से ये भी एक पॉजिटिव रिमाइंड का इफेक्ट होता है, फ़ायदा होता है यहाँ पे। तो ध्यान रखो ये आलस भी त्यागना बहुत ज़रूरी है। आज भी जैसे एक बच्चा कह रहा था कि सर आप सुबह से लेकर रात तक क्लास लेते रहते हो, ठीक है, थकते नहीं क्या? मेरे भाई थकना ही नहीं है क्योंकि मेरी मंजिल यहाँ नहीं है, मुझे बहुत ऊपर जाना है। मैंने मन में सोच रखा है यार यहाँ रुकना किसको है ये बताओ पहले, अगर मैंने अपनी जॉब छोड़ी है, अगर मैंने अपना लाइफ में कुछ ड्रीम छोड़ा है तो मैं यहीं पर रुकने के लिए मैंने थोड़ी छोड़ा है। जब मेरे पास दिन के 24 घंटे मिल रहे हैं तो मैं 2 घंटे की ही क्लास क्यों लूँ? क्या मैं 10 घंटे की क्लास नहीं ले सकता? क्या मैं और कंटेंट पर काम नहीं कर सकता? ठीक है, 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर 2-2 बुक निकाल दी मैंने, इतने हिट हिट वीडियोस गए, मिलियंस पर व्यूज़ आते हैं, आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, कई सारे बच्चों को इंस्पेक्टर तक बना चुका, तो फिर यहीं तक रुकना क्यों है? क्या आज मैं अर्न नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, क्या मेरा नाम नहीं है? लेकिन आज इस मुकाम पर आने के बाद भी मैंने अपने आप को नहीं रोका है, तो आप क्यों रोकते हो यार? आपने क्या अचीव कर लिया बताना ज़रा? मैं इतना अचीव करके भी आज अपने आप को नहीं रोक रहा हूँ, कॉन्टिन्यूसली पढ़ाते रहता हूँ, कभी कभी मेरे लुक्स पे देखना, कभी ध्यान देता हूँ, लगता है कल भी यही टी शर्ट पहन के आया था पढ़ाने, आज भी यही पहन कर आया हूँ, बदला तक नहीं है, फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मंजिल टी शर्ट नहीं है, मंजिल अकाउंट का पैसा नहीं है, मंजिल ऊँचाई है, वो नाम है, वो शोहरत है जो छूना है, तो फिर आप क्यों रुकते हो? मत रुको करो ना मेरे भाई। अभी जब खुद तक कुछ चीज़ें हासिल नहीं की है तो रोकना क्यों है यार अपने आप को? ऊपर जाओ, थोड़ा और मेहनत करो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। SSC निकाल लिया तो आगे UPSC का सोचो, क्या आपके अंदर वो करिश्मा नहीं है? क्या आपके अंदर वो फ्लेयर नहीं है? क्या टैलेंट नहीं है? कर सकते हो ना यार, तो करो ना, फिर रोका क्यों अपने आप को? वो जो 24 घंटे मिले थे तो उसका फ़ायदा उठाना था ना, गवा क्यों दिए? रोज सुबह से लेकर शाम तक अपना दिन कैलकुलेट करो कि कितने मिनट वेस्ट करते हो फालतू की चीज़ों में। वीडियो देखने कोई और गए थे, पहुंच कहीं और पर गए, कितना समय बर्बाद कर दिया। इनकी स्ट्रेटजी सुनेंगे, उनकी स्ट्रेटजी सुनेंगे, उनकी स्ट्रेटजी सुनेंगे, फॉलो कुछ भी नहीं करना, ऐसे थोड़ी होता है यार। दिन में आप 5 लोगों से मिलते होगे, मैं आपको 5 टॉपर से मिलाता हूँ, ठीक है, हर किसी से वही स्टोरी पूछोगे भैया GS कैसे स्ट्रांग करें। लेकिन मेरे भाई वो तो स्ट्रांग तब होगा ना जब तुम खुद पढ़ने उतरोगे, पढ़ ही नहीं रहे हो, सिर्फ लोगों से पूछे जा रहे हो कैसे होगा कैसे होगा, तो क्या हो जाएगा? क्या मैं ये पूछूं किसी से गाड़ी कैसे चलाना है? अच्छा ठीक है, स्टीयरिंग पे पैर रखना है, ये स्टीयरिंग पे हाथ रखना है, एक्सेलेरेटर होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है, क्या पूछने से होगा या वाकई मुझे गाड़ी पर बैठना पड़ेगा, ड्राइविंग सीट पर, और चलाना पड़ेगा? फर्क है ना यार।
सीखो ना, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। ये जो जितने भी छोटे एग्जाम्स होते हैं इनमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, ठीक है, और इनमें इंसान टूटता भी बहुत जल्द है, ठीक है। तो आत्मचिंतन करो थोड़ा सा और मेहनत करो। ये मुझे बहुत दिन से था कि मैं आप लोगों से ये बात बोलूँगा कि भाई कुछ बच्चे जो हैं वो अलग ही ट्रैक पर जा रहे हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ हासिल भी नहीं किया मन नहीं लगता, मतलब ज़बरदस्ती का ऐसे ही। यार कुछ हासिल तो कर लो, तब कुछ चीज़ों में मन ना लगे तो पता चले हासिल ही क्या कर लिया आपने। ये बताओ कुछ हासिल किया है अपने दम पे, बताओ। जब नहीं किया तो फिर मन लगाओ, हासिल करो, फिर देखेंगे ना। वो बात तब शोभा देती जब आप बैठे होते यार अकाउंट में लाखों रुपए आ रहे हैं और बोलते हैं हाँ यार अब काम करने का मन नहीं करता, एकदम उमड़ सा हो गया, अब तो खाली इंजॉय करने का मन करता है। अच्छा भी लगता हमको सुनने में, कुछ किए भी नहीं, कोई वैल्यू भी नहीं बनाई, कोई नाम भी नहीं बनाया और मन नहीं लगता, खतरनाक, मतलब एकदम ऐसा काम करते हो तुम। भाई बन लो यार, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ना, मैं हूँ ना साथ में यार, मैं गाइड कर रहा हूँ ना, मोटिवेट कर रहा हूँ ना, अपनी पूरी एफर्ट आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ ना, बस आप अपने लिए तो एफर्ट लगा दो, ठीक है।